नमस्कार, मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लैश। दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी का आगाज 8 दिसंबर को होने वाला है और फाइनली विजय हजारे ट्रॉफी के लिए सभी स्टेट ने स्क्वाड अनाउंस कर दी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ सभी स्टेट की स्क्वाड शेयर करने वाला हूं और इसके अलावा आपको यह भी बताऊंगा कि आप मोबाइल और टेलीविजन पे इन मैचों को लाइव कैसे देख पाएंगे। तो दोस्तों, बढ़ेंगे वीडियो में आगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। बीसीसीआई टूर्नामेंट और ट्रायल से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट खबरें आ रही हैं उन्हें सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, टेलीविजन पे इन मैचों का लाइव प्रसारण होगा स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पे, जबकि दोस्तों अगर आप इन मैचों को लाइव अपने फोन पे देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो दोस्तों, वहां पे मैं आपको लाइव मैच की लिंक शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं कि आखिर विजय हजारे ट्रॉफी के लिए सभी स्टेट ने कौन सी स्क्वाड शेयर करी है, क्या स्क्वाड रहने वाली है। तो दोस्तों, सभी स्क्वाड मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आप इन सभी स्टेट की स्क्वाड की स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास सभी स्टेट की स्क्वाड अवेलेबल है, तो अगर आपके स्टेट की स्क्वाड यहाँ पे मेंशन ना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग कर लेना दोस्तों, वहाँ पे मैं आपके स्टेट की स्क्वाड आपको शेयर कर दूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं गुजरात टीम की। टूर्नामेंट के लिए गुजरात की टीम ने काफ़ी ज़्यादा धांसू स्क्वाड तैयार की है। टीम कुछ इस प्रकार है और हेड पटेल को टीम की कप्तानी दी गई है। विजय हजारे ट्रॉफी के लिए महाराष्ट्र की स्क्वाड बहुत ही ज़्यादा शानदार नजर आ रही है दोस्तों, और महाराष्ट्र टूर्नामेंट में धमाकेदार प्रदर्शन कर सकती है। संजू सैमसन को केरल की टीम की कप्तानी दी गई है और टीम कुछ इस प्रकार है। दीपक हुड्डा की कप्तानी में राजस्थान की टीम काफ़ी ज़्यादा मजबूत नजर आ रही है दोस्तों, और उनकी टीम कुछ इस प्रकार है। आपको बता दूं गाइस कि विजय हजारे ट्रॉफी के लिए मुंबई की टीम काफ़ी ज़्यादा मजबूत नजर आ रही है। टीम की स्क्वाड कुछ इस प्रकार है। हालांकि सैम्स मुलानी को टीम की कप्तानी जरूर दी गई है दोस्तों, टीम काफ़ी ज़्यादा मजबूत नजर आ रही है, लेकिन पृथ्वी शॉ की कमी निश्चित तौर पर खल सकती है। तमिलनाडु की टीम की स्क्वाड कुछ इस प्रकार है। विजय शंकर को टीम की कप्तानी दी गई है। दोस्तों, आपको बता दूं कि हाल ही में तमिलनाडु ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फाइनल जो है जीत लिया था। वो मैच था दोस्तों कर्नाटका के खिलाफ, और वहां पे जिस तरीके से जीत दर्ज करा दोस्तों तमिलनाडु की टीम ने, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट नजर आएंगे विजय हजारे ट्रॉफी में भी। असम की टीम भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत नजर आ रही है। कुणाल की कप्तानी में टीम की स्क्वाड कुछ इस प्रकार है। दिल्ली के स्क्वाड कुछ इस प्रकार है दोस्तों, और प्रदीप सांगवान को टीम की कप्तानी दी गई है। विदर्भ भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत टीम नज़र आ रही है दोस्तों, शानदार स्क्वाड अनाउंस कर दी गई है जो कुछ इस प्रकार है, और फैज़ फजल को जो कि एक बहुत ही शानदार प्लेयर हैं उन्हें टीम की कप्तानी दी गई है। कर्ण शर्मा की कप्तानी में यूपी की स्क्वाड कुछ इस प्रकार है। टूर्नामेंट में उत्तर प्रदेश से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें रहने वाली हैं। कर्नाटका की टीम भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा शानदार नज़र आ रही है। मनीष पांडे की कप्तानी में इस टीम की स्क्वाड कुछ इस प्रकार है। कर्नाटका को मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में तमिलनाडु के खिलाफ हार झेलनी पड़ी थी। बिहार की टीम कुछ इस प्रकार है दोस्तों, और आशुतोष अमन को टीम की कप्तानी दी गई है। तो गाइज, मैंने सभी स्टेट की स्क्वाड आपके साथ शेयर कर दी है। हालांकि अगर आपके स्टेट की स्क्वाड यहाँ पे मेंशन ना हुई हो दोस्तों, तो एक बार फिर से दोहरानी चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर से ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको स्क्वाड मिल जाएगी। गाइज, होपफुली आप लोगों को वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो हमें फॉलो करें, और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बी सेफ एंड आई लव यू ऑल।